जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था और आप सबको वैसे भी पता है कि आज बुध है। बुध को हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजरीन मोहम्मद साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं। 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं। आज मैं चाहती हूँ कि उनसे बात करूँगी, जो गुठलियाँ हो जाती हैं ना, घुटनों पर भी हो जाती हैं, बहुत अजीब गरीब रसोली की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, उस बारे में हाजी साहब से मालूम करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा। जज़ाकअल्लाह सुम्मा जज़ाकअल्लाह। और नूरेन एंड कंपनी का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन सूप लाया, खाना खिलाया। जज़ाकअल्लाह नूरेन, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाजी साहब आप खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। कहके शाह अल्लाह गुहा के जितनी रहमत अल्लाह की है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। सुभान अल्लाह, ये हकीकत है। हमारी सांस उसकी मोहब्बत से चल रही है, हमारी आंखें हाथ पांव जिंदगी उसकी मोहब्बत से चल रही है, हर चीज़ अल्लाह के प्यार अल्लाह के मोहब्बत में चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह अपनी मखलूक को शफा देता है ना, मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि रब शफा देता है, मेरी इज्जत बन जाती। सुभान अल्लाह। हाजी साहब बिल्कुल आज मैं वो बात करना चाहूँगी आपसे गुठलियों के हवाले से, रसोलियाँ हो जाती हैं, वो बताइए कि आपकी रिसर्च उस पर क्या कहती है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आपने चुन चुन के सवाल करती है, हमें अच्छा लगता है। बल्कि इससे हमें भी ये समझने को मिलता है कि आप ही रिसर्च करती हैं, कहीं ना कहीं करती हैं, नहीं करती हैं। थैंक यू हाजी साहब, ये आपकी जो है वो हुस्न सलूकी है कि आप हम जैसे मतलब शागिर्दों को अपनी इतनी इनायत बख्शते हैं। मैं तो मासूम आदमी हूँ ना, इसलिए। बिल्कुल, ये बात तो है, आप मासूम हैं। देखिए रसोलियाँ बहुत सारी हैं, खवातीन के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स जाते हैं, रसोली जाती हैं, ट्यूब में जाती हैं, वो बढ़ के भयानक कंडीशन में जाती हैं, जिसको आप लास्ट स्टेज कैंसर कहते हैं। जी ठीक है, आपने खुद देखोगे, बहुत से लोग देखोगे, हजारा देखोगा, आखिर में उनका एंड ये होता है कि वो दुनिया छोड़ देते हैं। ये तमाम सुनने वालों के लिए ये है कि वो वक्त पे इलाज करा लें तो उनको इतनी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जिस पर आपने बात की है कि ये रसोलियाँ बड़ी बड़ी बैग की तरह, अंडे की तरह हो जाती हैं, पूरे वजूद में जो मरीज आते हैं उनके पेट के ऊपर भी होती हैं, अंदर भी होती हैं, सीने पे होती हैं, गले पे होती हैं, ये कोने पे होती हैं, घुटनों पे होती हैं, पिल्लियाँ सब जगह होती हैं। कहकशां जो तकलीफ की जगह होती है ना, वो जॉइंट्स हैं जी। जिस जोड़ में भी कोने पे अगर रसोलिया बेचारे को हाथ और मार कोई भी उसको हाथ जब मोड़े तो उसे शरीर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। घुटने में भी हमारे पास से खातून जैर इलाज था, जिससे मेरे प्रोग्राम में आना था, लेकिन उनको शायद कोई मजबूरी हो गई, वो क्या हो गया, वो नहीं पहुंच पाए। उसके वजूद में बहुत तकलीफ थी, लेकिन उसके घुटने में सोली थी, साइज बड़ा था, तो उसको बहुत मुश्किल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो होता रहा, 4-5 दिन के अंदर वो तमाम तकलीफों से 100% बाहर आ गई। अब उसमें चलने फिरने भागने दौड़ने में चढ़ने उतरने में कोई तकलीफ नहीं, माशाल्लाह। उसकी रसोली का साइज भी तकरीबन माशाल्लाह 50% कम हो गया और अपनी ज़िंदगी में वापस वो आ चुकी है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा अल्लाह सबको शिफा देता हो, अल्लाह मेरी लाज रखता है ना, ये प्यारे रफ़ी करण माजी है, मैं मासूम आदमी, मेरी कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल एक अटल फैसला है, माशाल्लाह। सारी हैसियत मेरे रब की है, करना मेरे रब ने, वो शफा भी देता है, रोज़ी भी देता है, रिज़्क भी देता है और ज़िंदगी भी देता है, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत मेरी बना देता है। बिल्कुल, मेरी कोई हैसियत नहीं है, एक वो शख्स की कोई अपनी औकात हैसियत ही ना हो, लेकिन अल्लाह उसकी लाज रखे तो अल्लाह की मोहब्बत अजीम मोहब्बत है अल्लाह की। या सुभान अल्लाह, मेरा कोई दावा नहीं, ना है ना कभी होगा। मैं सबको लेके बैठता हूँ जो हमारे पास होता है, रोज़ाना लोग बैठते हैं, आते हैं, माशाल्लाह रश होता है, आते हैं हम दिन में 2-3, 2-3-4 मरतबा 10-10 मिनट का एक दर्स कर लेते हैं। ठीक है, एक लेक्चर हो जाता है, वो भी इस्लाम पे होता है। अच्छा मजे की बात है, मैं हर मजहब का बंदा होता है। अच्छा, ये खुशी की बात है, जो इलाज के लिए आते हैं सब लोग आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं। अभी हाल ही में एक हमारे जानने वाले हमारे इस टीवी चैनल पे प्रोग्राम में आ चुके हैं, तकरीबन 5-6 साल पहले आ चुके हैं, तो अब वो शायद वो यहाँ से इंडिया शिफ्ट हो गए सिख मजहब से दिलजीत, तो यहाँ आके वो उसका शोर मिले, बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार से मिले। को सब याद है कि सिर्फ का इलाज उनकी बच्ची का इलाज, शीका का इलाज हुआ, दिलजीत का इलाज हुआ। देखिए उनको वो वक्त भूला नहीं है, और ये अच्छे लोगों की पहचान है कि वो अपनी तकलीफ को ना भूलें। कम ज़र्फ भूल जाता है, बिल्कुल ये याद रखना, कम ज़र्फ भूल जाता है, वो अकड़ में आता है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं
असल दार है ना वो नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, अपना दर्द, अपना कर्ब, अपना बुरा वक्त, अपना तकलीफ का वक्त वो कभी भी नहीं भूलेंगे। वो दूसरों में कहेंगे मैं कल ये था आज ये हूँ। तो अच्छा लगा, आई मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो आप घुटने की बात की, ये इतना ज़्यादा फैला हुआ ये मर्ज है कि शायद आपको मैं बताऊं कि एक खातून थी, उसके गले पे इतने बड़े बड़े थे, यानी समझ लो कि अगर जैसे एक पाव का पेड़ा बना होता ना, आटे का पेड़ा, इतनी बड़ी बड़ी एक एक गुठली थी, इस तरह यूं फैली हुई थी। इलाज हुआ, 1.5 साल लगा उसे, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और आज तकरीबन अभी तक ठीक है। 15-16 साल से ज़्यादा हो गए उसके इलाज को, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ठीक है। अच्छी बात यह कि उन्होंने, उनके डॉक्टर्स ने ये तस्लीम किया था कि जहाँ से इलाज हुआ बेहतरीन इलाज हुआ, माशाल्लाह, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छी बात है, वरना हमारे पास एक, अल्लाह ताला पहले मुझे हिदायत दे, आप लोगों को बाद में दे, हमारे पास एक अजाब है। वो अजाब ये है कि जब किसी का इलाज कहीं पर ना हो और वाके इलाज करवा ले, वो ठीक हो जाए, वो जाके अपनी मेडिकल रिपोर्ट जाके किसी को दिखाता है मेडिकल में, मैं नाम नहीं ले सकता, वो तब चढ़ती है। तब नहीं चढ़नी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने शफा दी। अब मैंने एक बात आपसे की थी, आपको याद होगा कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो जड़ी बूटी को मना करते हैं, नहीं नहीं खपतदार नहीं खाना, इससे बड़ा नुकसान होगा। जब ये उनको नहीं पता कि जड़ी बूटी से नुकसान नहीं है, उनकी दवाइयों से नुकसान है, एलोपैथिक जो आप देते हैं साइड इफेक्ट से माला माल होते हैं। जी जी सही, ये आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल। अब सूरत हाल ये कि एक दफ़ा, काफ़ी पुरानी बात है, अभी भी आलम है कि कुछ लोग ले रहे हैं, हमने डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने बोला भाई हमें नहीं पता क्या चीज़, वो डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर क्या जानता है जड़ी बूटी क्या चीज़ है, वो तो एलोपैथिक वाला जानता है, वो तो उस दवाई को जानता है। बिल्कुल, वो एक जो डॉक्टर है MBBS डॉक्टर जो है, उसने जड़ी बूटी में रिसर्च थोड़ी की हुई है, उसे क्या पता कि जड़ी बूटी क्या चीज़ है। बल्कि जो हमारी दवाइयाँ तो उसी हकीम को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने रिसर्च करके बनाता हूँ, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कि इधर उधर से कर करा के तो उन्होंने बनाई। मैंने बहुत तवील वक्त गुजारा है, 39 साल इस फील्ड में गुजारे हैं, आज भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ तालिबे इल्मों। जो मरीज तुम्हारे पास आते हैं, आप गवाह हो, अल्लाह गवाह है कि मेडिकल में नाकाबले इलाज लोग आके इलाज करवा के ठीक हुए। बिल्कुल, आज भी हमारे पास लोग ज़ेर इलाज हैं जिनका मेडिकल में नाकाबले इलाज था, लेकिन आज वो ठीक ठाक है। हमारे पास हर मज़हब का, हर मर्ज का बंदा आता है, रब शफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ। तो कहके शायद मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है इंसान की बका, सलामती, इसमें किसी मज़हब का रिश्ता नहीं, इंसानियत का रिश्ता। सुभान अल्लाह। तो जो गुठलियों का आपने बोला कि जो यूट्रस की खवातीन के जो ऑपरेशन होते हैं, हमने एक अंजाम देखा, 15 दिन के बाद इतनी बड़ी बड़ी रसोलियाँ हो गई, पहले छोटी छोटी थी, फिर उसके बाद बार बार ऑपरेशन करते करते एंड ये निकला कि वो लड़की है, उसका पूरा यूट्रस निकाल दिया। जी यही होता है, ठीक है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते हैं, अल्लाह शफा देता है, ठीक हो जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आजी साहब, ये हमने गुठलियों की बात कर ली, एक पेट में भी ना एक अजीब सी आंतों की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें भी बहुत देखने में आई हैं, तो इसके लिए आप कौन सी दवाई जो है वो सजेस्ट करते हैं अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो? बीमारी, हर बीमारी तकलीफ, कोई बीमारी आसान नहीं, ये याद रख लें, लेकिन इन तमाम बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे जो बीमारी है ना, वो वीट एलर्जी, गंदम की रोटी खा ना सकना, गंदम की रोटी सूंघ ले तो बाग के वाशरूम पहुँचने जाके मोशन शुरू हो जाते हैं, खाना तो बहुत दूर की बात, और सूंघने से जाते हैं वो, कहने में उसका आटे आटे की रोटी खाते हैं उसी में वो चल रहे होते हैं, या कभी जोर से बेसन भर की रोटी बना के देते हैं। वही लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ार लोग ठीक हुए हैं, आज वो गंदम ही खा रहे हैं, माशाल्लाह। एक छोटी सी मसाला को दूँ, एक मेरे पास एक मरीज़ था, वो हमारे पुराम में आ चुका है, बहुत पहले 2013-14 में आ चुका है, बच्चा था तो जवान हो गया, वो सिर्फ गंदम सूखे तो जाके उसको मोशन बंद नहीं होते, जाके हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ता था, इलाज हुआ ठीक हुआ, वो गंदम ही खा रहा था। एक डॉक्टर साहब ने उसे कहा कि हमने 100 वर्कशॉप किए, कहीं इसका इलाज नहीं मिला, कहीं से अगर बहुत हमें ज़रूर बताना। जब ठीक होने बाद वो गंदम खाते खाते 5-6 महीने गुजर गए, अब उसको माशाल्लाह नॉर्मल है, आम बच्चों की तरह, आम जवानों की तरह वो चल रहा है। जाके उसकी रिपोर्ट्स दिखाई तो बोला माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, तो ठीक है। बोला कहाँ से इलाज कराया? मैंने बताया इस हिसाब से इलाज कराया जड़ी बूटी से। बोला नहीं नहीं, उसको नहीं मानते हैं, अगर मेडिकल से तो मानते हैं, लेकिन जड़ी बूटी से इलाज को नहीं मानते। मेरा कहने का सिर्फ एक ही सवाल है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पहले कह दूँ, जहाँ से भी शिफा मिल रही उसको आप मानो जी, अप्रिशिएट करें। बिल्कुल,
आप गुमराह ना करो कि नहीं उसको नहीं मानते, वहां ना जाया जाए, जड़ी बूटी ना खाएं। जब डॉक्टर भी नहीं थे, हकीम भी नहीं थे, तो जड़ी बूटियां तब भी थी। बिल्कुल, आप लाखों साल की हिस्ट्री निकालो, जड़ी बूटी से लोग इलाज कर रहे थे। नहीं तो मूसा अलैहि सलाम को पढ़ लो, जब उन्होंने पेट में दर्द हुआ, कोई पहुंचे, अल्लाह मेरे पेट में तकलीफ है, फलाने दर्द पता खा लो, खाया तो दर्द खत्म हो गया। सेकंड डे बड़ा दर्द हुआ, खाया तो दर्द खत्म नहीं हुआ। कोई पहुंचे जाके बोला अल्लाह कल तो तकलीफ खत्म हुई लेकिन आज नहीं। तो जवाब अल्लाह सुबहाना तआला ने कहा कि मूसा के शफा उस पत्ते में थी, नहीं शफा मेरे पास हो तो बहाना है, हम लोग ये बहाना इससे आके हमारी हैसियत थी। बिल्कुल, लेकिन इस बात कहने का एक मकसद है, मकसद है कि जहाँ से शफा मिले आप उससे बोलो कि आपका इलाज जो हुई और ठीक हुआ मेरे पास आता है। मैं कहता हूँ तो आपका इलाज जहाँ आपके नसीब में लिखा है वो ये सच है, शफा वहीं से मिलेगी, तुम्हारे पास लिखा है या मेरे पास या किसी के पास, मिलनी शिफा वहीं से, लेकिन तलाश करनी पड़ती। बिल्कुल, तलाश करनी पड़ती है। अक्सर ऐसा होता है, जैसा लोग बहुत जगहों पर जाते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन शिफा नहीं मिलती। आपके पास आते हैं माशाल्लाह शिफा मिल जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। अभी ये हाल ही में कल ही हमारे पास एक बच्चा आया, तो उसको पहले ठीक था लेकिन अब वो अपनी जिंदगी में वापसी में बिल्कुल आज आर्टिस्टिक बन गया, मतलब उसमें दिमागी प्रॉब्लम है, तो दिमागी वजह से जिसम साथ छोड़ गया, अब वो बिल्कुल आर्टिस्टिक हाथ पाँव मुड़े हुए। अच्छा मुझे नहीं पता उसके वाले साहब डॉक्टर ने, तो बातें हो रही थी तो मैंने बोला कि ये सीपी चाइल्ड है, तो बोला नहीं पहले नहीं था। मैंने कहा अब तो सीपी चाइल्ड में आ चुका है, तो जब उसके हाथ पाँव देखे मैंने कहा तो आर्टिस्टिक है ये। तो अब सारी बातें होने के बाद बाद में उसे बताया कि मैं डॉक्टर लेकर हमारे पास इसका इलाज नहीं है। ये अल्लाह सुबहाना तआला, मेरा ईमान है कि अगर उसके माँ बाप मेहनत करेंगे ना, वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में आएगा। आज तो बैठने काबिल भी नहीं है। अच्छा, लेकिन तुमसे इस बात की मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। देखो आर्टिस्टिक बच्चे जो मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है वो ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सी पी चार्ड आर्टिस्टिक है, शॉर्ट बैंड है, ये सब ठीक होने वाले बच्चे, आर्टिज़म है, ये सब ठीक होता है, थोड़ा वक्त लगता है। वो बच्चे कहकशां जो कि एक एक दो दो महीने बाद जाके पोटी करते हैं, जिसको कब्ज होती है वो खाना नहीं खा सकता, याद रखो वो सिर्फ चखता है। बिल्कुल, उनके वालदेन का कहना है कि जिसने ये पोटी करते हैं ना, इतनी शदीद तकलीफ होती है कि तीन चार दिन तक उस तकलीफ से बाहर नहीं आते, क्योंकि इससे कोयले निकल रहे होते। तो ये कहने का मकसद है कि तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं। उसने भी कहा कि एक हफ्ते बाद, दस दिन बाद जो भी होता है, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है ये दो चार दिन के अंदर अंदर वो बच्चा इसका वो होगा, उसके रोज़ाना पोटी करेगा इंशाल्लाह, उसके हाथ में जो मुड़के हो गए सब सीधे हो जाएंगी। ये सवाल नहीं कि क्या नाम है कि मेरे पास से ला जाए दूसरे पास ला, ये सवाल ही स्वास्थ्य शफाक है, जहाँ भी मिल जाए। बिल्कुल, कभी भी ये चीज़ ना सोचें कि किसी हकीम से, डॉक्टर से, दम कराने वाले से, जहाँ से भी शफा मिल सकती है वहाँ से शफा हासिल करो। ऐसे ही है, इतना ही सवाल है। बिल्कुल, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और हमारे साथ पेशेंट्स जो आते हैं हमारे शो में, हम सिर्फ उनको इसीलिए आपके लिए बुलाते हैं ताकि आप उनको देखें और आपको पता चले कि हाँ ये इतनी सीवियर कंडीशन में जब ठीक हो सकते हैं, तो जो आपके साथ भी मसला है, डॉक्टर्स ने अगर कह दिया कि ये सही नहीं हो सकता, नाकाबिल इलाज है, लेकिन आप हाजी साहब के पास ज़रूर जाएँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई राह ज़रूर निकलेगी। हाजी साहब अपना एड्रेस बता दीजिए। जी एड्रेस है जी मेरा, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद चार मीनार चलूँगी, चलूँगी साथ सलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे का टाइम रोजाना को होता है, इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। ठीक है, हर आने वाला दो बोतलें पानी लेके आ जाए, जो बंदा ऊपर आने के काबिल नहीं है तो वो नीचे आ जाए, मैं नीचे आके देख लेता हूँ क्योंकि ऊपर मेजदान फ्लोर पर बैठता हूँ। सुबह 11 से रात 8 का टाइम, इस टाइम पर जो भी आए, जहाँ से भी आए, जिस मजहब का बंदा भी आए, दो काम हो सके तो जरूर करें। बुखार वाला बुखार की हालत में, बिल्कुल, जितना भी तेज बुखार है उसी हालत में, दर्द वाला जितना भी शदीद दर्द है ना, वो दर्द और कर्ब है, उसी हालत में आए, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पे मेरा यकीन है, हंसता मुस्कुरा हो जाएगा इंशाल्लाह, सुम्मा इंशाल्लाह। लेकिन आते हुए आपने दो पानी की भरी हुई बोतलें लेके जरूर आना है, क्योंकि अभी भी अक्सर बेशतर ऐसा होता है आप लोग खाली बोतलें ले जाते हैं, फिर हाजी साहब बोलते हैं कहकशा, हर शो में बुध को कहती हो, फिर भी लोग जो है वो पानी की बोतलें भरी की बात सही कह रहा हूँ, जो आपसे शिकवा करता हूँ, इससे शिकवा करता है ना, तीन तीन चार चार छह छह बोतलें लेके आएंगे, खाली बोतलें।
अल्लाह अकबर। वैसे भी पानी इतना महंगा हो गया है, जो हम लोग डिस्पेंसर वाटर जो अपने घरों में रखवाते हैं कूलर्स की सूरत में, वो इतना महंगा हो गया है। तो आप लोग वैसे ही हाजी साहब इतनी खिदमत कर रहे हैं इंसान की, इंसानियत के लिए, इतनी बका के लिए इतनी कोशिशें करते हैं कि आपसे कोई फीस नहीं लेते, सिर्फ दवाइयों के पैसे होते हैं। आप जाते हैं तो आप हाजी साहब से मिलने की कोई फीस नहीं है, आप जो दवाई आपको जो लिखी जाएगी उसके पैसे होते हैं। आप लोग जाए रिसेप्शन में, आप बोले मुझे हाजी साहब से दम कराना है, उसके कोई पैसे नहीं है। ये नहीं होता कि आप पहले हाजी साहब से अपॉइंटमेंट लें तो उसके हजार रुपए, फिर दवाइयों के जो पैसे हैं वो अलग से होंगे, क्योंकि यूजुअली हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं हाजी साहब, तो यही होता है कि डॉक्टर की फीस अलग है, फिर जो वो दवाइयां हमें लिख के देते हैं उसके पैसे अलग है। तो आप जो हैं अल्लाह पाक से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इंसानियत की खिदमत के लिए आपने ये सोचा कैसे? देखिए क्या कह, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आज जिनके पास खरबों रुपये पड़ा हुआ है ना, उनके पास इंसानियत नहीं है, वो पैसा उसके पास जरूर है लेकिन किसी काम का नहीं। बिल्कुल। आज जिनके पास थोड़ा बहुत भी है ना, उनमें इंसानियत है, वो बड़े काम के लोग हैं। शुक्र। मेरी फीस है वो दुआओं की शक्ल में, जो भी कहता है ना, मैं कहता हूँ मेरी दुआ करो, दुआओं में याद रखें। ये बड़ी प्यारी फीस है, ये मेरे डायरेक्ट अकाउंट में जमा होती है। जब किसी के दिल से निकलती है ना तो अशक होती है। जैसे हमारी बड़ी प्यारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तस्मीम, तो उससे बात होती है, इससे हंसी मजाक करते हैं, बहुत प्यारी डॉक्टर है। तो चूंकि मेरे पास ज़रा इलाज है, मैं उसे कहता हूँ, कभी आपको मजाकन बोलता हूँ, कभी डॉक्टर साहब कोई फायदा हो रहा खामा क्या मन देखे खाती हैं। हाँ। तो जवाब कहती है जी साहब रब गुआ है, तहज्जुद में जब उठ के नमाज पढ़ती हूँ तहज्जुद की, सबसे पहले दुआ तुम्हारी होती है, अपनी नहीं बातें मांग। सुभान अल्लाह। जब उससे मेरी बात होती मुझे इजाज़त दी, आज यकीन मान ऐसे हजार खानी लाखों लोग हैं जो कहते हैं हाजी साहब दिल से अपनी दुआ निकलती है, वो अल्लाह के पास जमा हो रही है। सुभान अल्लाह। आज जो कुछ भी हो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से अपने बाबा जाने की दुआओं से हो। बिल्कुल ठीक है ना। जो मेरे बाबा जाने ने मेरी दुआएं की हैं तो वो अटल फैसला है। जो मेरे बाबा जाने ने मेरी माँ ने दुआ की वो अटल फैसला है। सुभान अल्लाह। और मैंने हर कदम में देखा जो मेरे बाबा जाने ने मेरी दुआ मांगी है उसमें कभी भी कमी नहीं आई बल्कि बढ़ के मिला। माशाल्लाह। आप एक माशाल्लाह मुझे फरमाबरदार बेटे लगते हैं। आप माशाल्लाह से जो होंगे आपकी बातों से लगता है। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी प्यारी बहन कौन बात कर रही है, मसला बताइए। मेरा मसला ये है, मैं शादी को तभी नहीं जा रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। औलाद नहीं है। अच्छा चले ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें आपको बताते हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब जो है वो ब्रेक से वापस आकर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी नाम ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हाजी दीन मोहम्मद साहब, जो कि आपके और हमारे सबके फेवरेट 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं। हमारी बहन ने कॉल की थी, 10 से 11 साल हो गए उनकी शादी को लेकिन उनके औलाद नहीं है, तो हाजी साहब उनके लिए कुछ बताएं। इसका एक ही जवाब है, ये मुझे एक घंटे बाद फोन कर ले, रात 8 बजे तक मैं बैठा हूँ, ये सच बोले कि दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक है या दोनों में से किसी एक में कमी है या दोनों में कमी है। जब तक ये सच नहीं बोलेंगे तो मैं आपको जवाब देने के काबिल नहीं। सही बात। तो मैं आपसे ये बात शेयर करूँ, बुरा माने बगैर मुझे बर्दाश्त कर लो। नहीं 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 आज साहब बताइए। देखें क्या कहा, मेरे पास आने वाले बहुत हद तक झूठ बोलते हैं। अच्छा। मर्द में कमी है वो 0% हमसे है, वो क्या बोलेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी कोई कमी नहीं, मेरी सारी रिपोर्ट ठीक है, मैं कह मेरी रिपोर्ट ठीक है। तो जब मैंने बोला ठीक है आप जाएं मैं पढ़ने दे देता हूँ, तो बोला कोई इलाज मैंने बोला जी अब आप दोनों ठीक है तो इलाज किस बात का करें, कलाम इलाही पढ़ने दे रहा हूँ तुम जाके पढ़ लो। बाद में खातून बोलती है मैं 10 साल से पीरियड नहीं आए। उफ़। आप 10 साल से जब महावारी नहीं आई तो तुम्हें औलाद कहाँ से मिलेगी। सही बात। फिर वो इलाज शुरू करते हैं, अल्लाह करम कर देता है, जिसके नसीब में जो लिखो तो उसको मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे किया वो ये कि सच बोलने की तौफीक हम सबको बता पा रहे हैं, मुझसे मैं सबको, जब तक सच नहीं बोलेंगे कहकशां इलाज नहीं हो सकता। झूठ बोलने से जन्नत में कोई भी नहीं गया आज तक। बिल्कुल। सच बोलने से हर कोई जन्नत में गया इंशाल्लाह। सो मैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। झूठ बोलने से सिर्फ जहन्नम मिलती है, जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह हू अकबर। तो बेहतर है कि जो रास्ता है ना, देखे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यहूदी उसे कट्टर दुश्मन है, जान के दुश्मन है, लेकिन जाके पैसा उनके पास रखाते हैं, मानते मार खाते हैं, रसूल सल्लम कहते हैं ए मोहम्मद ये हमारी ईमानते रख लो हम आपसे ले लेंगे, तो कहते हैं आप अपने वाला नहीं उनके पास नहीं रखें, वो चोर हैं, आप ईमानदार हो। क्यों, एक सच्चाई एक हकीकत थी ना।
जिसके पास वो गैर मुस्लिम भी भरोसा करते थे, बिल्कुल सुभान अल्लाह, वो अपने यहूदी में भरोसा नहीं करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरोसा करते थे। इसलिए मैं कहता हूँ आने वाला सच बोले, सच बोले बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। उसकी वजह क्या है? वजह ये कि तुम्हारा मसला हल हो जाता है। देखिए इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, नाम बताइए, मसला बताइए। नवीद नाम है, मैं डिग्री से बोल रहा हूँ, कराची से। जी फरमाइए। मुझे हकीम साहब से और मेरा तकरीबन शुगर जो है वो हाई रहता है और इंसुलिन लेने के बाद। ठीक है, आपकी शुगर हाई रहती है, आपको उसको कम करने के लिए कोई दवाई वगैरह पूछनी है, इंसुलिन लेते हैं। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखिए, आपको बताते हैं। हाजी साहब थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी सबसे पहले ये मेरे पास आ जाए, आके दिखा दें, बेहतरीन रास्ता यही है। तो तमाम शुगर वालों के लिए मैं चंद चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही जरूरी है, वो इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इंसुलिन से जान छुटेगी इंशाल्लाह। पहली बात है कि बड़ी हल्का पाउडर ले लें, सुबह नारमू आधा चमचा मुंह में डालें, पानी पी लें। नीमी छाल दरख्त से उतरवा लें, बाजार से ना खरीदें, उसमें ताकत नहीं होती है। ठीक है, आगे जब तक छाल नहीं मिलती तो नीमी शाखें ले लें, थोड़ी थोड़ी शाखें तोड़ के उसको पानी में पका के जब वो ठंडा हो जाए तो वो पी लें। दो काम हो गए। तीसरा करेला, करेले का आधा पाव करेले का जूस निकाल के छीले बगैर, बीज निकाले बगैर सिर्फ धो के थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करो और उसे पी लो। इससे आपकी शुगर 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप लिमिट पर जाती है। आपका शुगर भी यहाँ कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर भी यहाँ कंट्रोल होता है। सबसे बड़ी बात है आपके वजूद में जो टूट फूट हो चुकी होती है वो ख़त्म होने लगती है। हमारे पास जो दवाइयाँ इसी तरह से बनी हुई हैं, इन्हीं जड़ी बूटी से तैयार की हुई हैं, जिससे ये फ़ायदा है कि शुगर तो नहीं ख़त्म होगी, ये बात गलत होगी। शुगर मरेगी कि उसके नुकसान ख़त्म हो, जो दिमाग खा गई ना तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया, आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सब के लिए शुगर ब्लड प्रेशर दोनों का बेहतरीन इलाज है। अच्छा हाजी साहब, ये लबलबा जो खराब हो जाता है उससे शुगर होती है ना, वो डैमेज हो जाता है या बिल्कुल खराब हो जाता है? इंसुलिन नहीं बनाता मैदा, जब इंसुलिन ना बनाए तो तब ये प्रॉब्लम खड़ी होती है, लेकिन उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। सबसे पहली, सबसे बड़ी और भयानक वजूहत जो ना, मरी नाकस खजाएं जी, नाकस खजाएं। देखें जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी खाते हैं, अगर जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी खाने वाला अपनी आंखों से देखे ना, मैं कहता हूँ कि 90% शायद कोई भी ना खाए, क्योंकि इतनी नाकस चीज़ें होती हैं और महंगी बहुत ज़्यादा होती है। महंगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप सादगी में अगर आ जाते हो तो आपका निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल आपका खर्चा बचता है, आपका निज़ाम बहाल होता है, आपको ज़िंदगी मिलती है और सेहत मिलती है। आप उस तरफ आओ जो कि अहकामात खुदाबंदी है, सादगी तरफ आ जाओ, आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप एक छोटी सी मिसाल दूँ, एक फैमिली मेरे पास आई कि पूरा ख़ानदान बीमार है, उनको मैंने कहा कि तेल और घी के इस्तेमाल बंद कर दो, अगर देसी घी है तो वो थोड़ा डाल लो वरना छोड़ दो, आप उसके बगैर जो खाना पका के खाओ, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च धनिया पुदीना जीरा डालो और लाल मिर्च काली मिर्च टमाटर छोड़ दो। वो अल्लाह के नेक लोगों ने मेरी बात मनोमन उस पर अमल किया, आप यकीन मानना कि 2 महीने में सारा खानदान शिफा पा गया, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं खा रहा, ना शुगर वाला, ना ब्लड प्रेशर वाला, ना मोरों वाला, ना मैदे वाला और ना सर की तकलीफ वाला, सुभान अल्लाह, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझसे आके बुजुर्ग ने कहा कि हाजी साहब इस चीज को बोलने के सारी कौम क्यों ना करे, जब हर चीज इतनी महंगी हो रही है और है भी नाकस, तो आप कुदरती निजाम पे आ जाएं, आप देखें कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल, देखें जब तक ये तरक्की याफ्ता दौर नहीं था, दुनिया बड़े सुकून में थी, गधे घोड़े पे सवारी करते थे, माना लंबा टाइम लगता है, लेकिन वो 50, 60, 80 साल का बूढ़ा 1.5 से 2 मन वजन लेके पहाड़ी भी चढ़ता था जी। आज किसी को 20 साल के जवान को बोलो ना कि आप 1 मन वजन लेके पहाड़ी भी चढ़ जाओ, वो सीधे चलने के काबुल नहीं। ये नाकस खजाएं, मैं छोटी सी बात का इजाफा करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आज कह के शाम, मैं देहात का रहने वाला हूँ, मैंने खेती बाड़ी की हुई जी, बचपन से हम लोग सब सीख लेते हैं, हमारी बागवानी अपनी होती है, हर फल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता है और बगैर पैसे के, माशाल्लाह। और आपका बाग है, मैं खाऊंगा, मेरे बाग में खाऊ, कोई रोक टोक नहीं होती। अच्छा, जब तक हमारी जमीनों में गोबर की खाद चल रही थी तो जमीनें बेहतरीन फसलें दे रही थी। जिस दिन एक दफा भी यूरिया खाद डाल दी ना, दोबारा जब तक उसको खाद यूरिया नहीं मिलेगी, जमीन आपको फसल नहीं देगी, खत्म, कहानी चौपट हो गई। तो आप ये देखेंगे आज ही बहुत सारे लोग हैं जो कि कुदरती निजाम की तरफ आ रहे हैं। आप वहां गांव जा के लोगों ने क्या शुरू किया, जो अपनी जमीनों को बहुत उन्होंने उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया, कुछ जमीनों को उन्होंने दोबारा उस वक्त पे लाने की कोशिश की,
कि गोबर की खाद वहाँ चली जाए, गोबर की खाद में सारा कुछ हो। अब कुछ कुछ ज़मीनें आबाद होने लगी, लेकिन अक्सरियत आबाद नहीं हुई, क्योंकि जब तक उसमें यूरिन डालेंगे तो आपको ज़मीन जो है ना वो गला नहीं दे रही जी। तो ये चीज़ें तो सब जगह पे हैं, इतनी सी चीज़ को जब इतना बनाने की कोशिश करें तो उसमें कहीं ना कहीं तो खराबी पैदा होगी। बिल्कुल जी। तो हाजी साहब, आप क्या समझते हैं, मतलब हमारा जो शुगर का जो जितना मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसी के साथ साथ एक ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल ये भी एक अलग ही साइंस होती है, जिसको होता है बेचारे को उसको ही पता होता है, एक आम बंदे को तो पता ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना घटना क्या होता है। देखिए, अगर कहकशां अगर रोड पे चलते हुए 500 लोगों को टेस्ट कराओगे ना तो 300 मरीज मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और 300 को एक को भी नहीं पता कि मैं बीमार हूँ। बिल्कुल ऐसी बात है, शुगर भी उसकी हाई है, बीपी भी उसका हाई है, और वो परेशान है, उसको दर जाके मालूम होता है कि मुझे सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही, इसी के साथ एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मेरी प्यारी खाला है, तो उसकी उम्र 65 साल है, तो वो बहुत तकलीफ में है, मतलब जो कुछ नहीं खा सकती, जो खाती थोड़ी बहुत मिर्चें वाली तो उसे बहुत तकलीफ होती है, खून भी आता है बालों का, तो वो उसके लिए कोई इलाज बता दे। बड़ी अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आई, सिर्फ इतना पता चला कि कोई 35 साल की है, वो बहुत तकलीफ है, बवासीर है, उन्हें 65 साल की उम्र है। अच्छा, तो वो उनको कोई दवाई। ठीक है, हम आपको बताते हैं ऑनियर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। हाजी साहब, बवासीर का मसला बता रही है, 35 साल कोई एज है उनकी, जो भी है जिस मर्ज में भी है, चाहे बवासीर है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, बी है, नजला, जुकाम, बुखार, आंख, नाक, टांग, मोरे सब खराब है। आप मेरे पास आए, मैं एड्रेस बता देता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चलूँगी साथ ही सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं रोज़ाना बैठता हूँ, एतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठता हूँ। आप मेरे पास आ जाएँ, बवासीर का इलाज मर्ज़ है, चाहे वो खूनी है या आबादी है, मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लगता है मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है, दोएँ खाएं, आप परहेज करें, चंदन की बात होती है, आप ठीक ठाक होते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। जैसे हमारा भी यूट्यूब, हम इंशाल्लाह एक आध दिन में वो स्टार्ट हो गया, वो भी हमने इसी में रखा है, ADM नेचुरल हर्ब, यानी हम कुदरती चीज़ों से भी सारा इलाज करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मैं उसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगा, तो वो लिंक भी आपके हमारे इस पर चैनल में चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, सुबह इंशाल्लाह, उससे सब चीज़ें कुदरती हैं। जिन लोगों को इलाज करते हैं, जो कुछ करते हैं, हम उसमें थोड़ा 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 डालते रहेंगे, ताकि लोगों को फैज पहुंच सके, और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ठीक हो जाए। इससे बवासीर की बात की, बवासीर काबिल इलाज है, लेकिन जब इलाज नहीं करता वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। जब कैंसर में तब्दील हो जाता है, कितने लोग देखेंगे, मिसाल दूँ कि एक काफ़ी वक्त पहले कि एक बुज़ुर्ग हमारे पास आए, तो कहने लगे मुझे कब्ज की शिकायत है, उसे दवाई दी, तो मैंने पूछा कि आपको कभी भी कब्ज है, नहीं बोला, मोशन हो रही कब्ज फ्री भी है, कब मोशन हो रहे हैं, कब फिर कैसे कब हो सकती है, बोला बीच में कुछ चीज़ अटकी हुई है। वो यहाँ से अमेरिका चले गए, वहाँ मुझे शिकायत की कि मुझे जो है ना कब्ज़ हो रही है, जब उसका टेस्ट होता मालूम हुआ कि जो अंदर 6 इंच का जो टुकड़ा था वो कैंसर है और वो बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ से उसके बेटे ने बेटी ने उसको ऑपरेट करवाया, ऑपरेट करवाने के बाद जब 2 साल बाद यहाँ वापस आया तो उसने बताया कि मुझे कब्ज़ नहीं थी, कैंसर था। तो ये बात, दो चीज़ें याद रखो, बहुत बड़े काम की बात है, कब्ज वो अजाब है कि जो हर बीमारी की बुनियाद है। बिल्कुल हाजी साहब, एक कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रही है? नजमीन बात कर रही हूँ, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। फरमाइए। बेटे, ये हाजी साहब से ये मालूम कर लें कि वो हर पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ है, नमाज भी पढ़ता है, उसके एक्सीडेंट होते हैं बार बार, और ये कि उसकी जिंदगी का मसला है, बस परेशान रहता है। अच्छा, ना जॉब में दिलचस्पी है ना। अच्छा, मतलब आपके बेटे की एज क्या है? 30 साल। 30 साल का है, परेशान रहता है, बार बार एक्सीडेंट होते हैं और ना खुश है। जी जी, मतलब ना शादी रिश्ता हो सकता है, ना कुछ, मतलब परेशानी में। ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको हिसाब से मालूम करके बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, परेशानी तो हर किसी को होती है, चाहे वो जानी हो या माली। जो इंसान तकलीफ पे है वो भी ज़हनी तौर पे परेशान है, माली तौर पे परेशान है, तो ज़हन कार्य में होता। मैं जिसकी भी गलती है उसमें तमाम लोगों को बता दूँ, ये एहसान आप किसी पे भी ना करें। क्या कहशा, मेरी बात को रिपीट करना। बिल्कुल, आप ये एहसान किसी पे ना करें। बेटा नमाज पढ़ता है और ये भी कहता है, वो हमारे मजहब का एहसान है,
क्या चीज, वो हमारे मजहब कैसा, वो एहसान नहीं है, वो हमने करने ही करना है। ये दो ये बोले कि हमारे ये मसले, मसलों का हल चाहिए। क्या किशान बोले कि मैंने ताजिद पढ़ी, क्या किशान ने एहसान नहीं किया, उसने अपनी इबादत की। क्या किशान ने पांच वक्त नमाज पढ़ी, एहसान नहीं किया, अपनी ही पढ़ी, उसके फर्ज कैसा है, मैंने पढ़ी, मैंने एहसान नहीं किया। लेकिन ये बात ना बोले कि अक्सर बड़े आम सब कुछ करते हैं फिर क्या होता है, ये सोच गलत है। ये दुआ मांगे अल्लाह रहमत शफा बका करे, रहमत शफा बका करे। सूरह मुज़म्मल 15 मरतबा, सूरह कुरैश, सूरह नास 41 पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके, पूरा खानदान पिए, ये बेहतरीन रास्ता है। आप खुद देखेंगे आपके सामने रास्ते खुलना शुरू होंगे और आप अपनी मंजिल पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। रोजी को शादा, ज़हनी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, जिस्मानी मामला खराब हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे आप अल्लाह की तरफ जाएं, मैं भी वही जाता हूँ, मेरा ठिकाना भी वही है, वो बार बार जाता रहता हूँ, अपने लिए भी, आप सबके लिए मैं मांग रहा होता हूँ और दिन रात मांग रहा होता हूँ, रब दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़ात का करम है मेरे जैसे मासूम इंसान पे कि सबके लिए मांग रहा हूँ, वो सबके लिए दे रहा है, देता है भाई, उसके खजाने में कमी। लेकिन मैं ये बात इसलिए कि नाराज नहीं होना कि मेरी बात का आप बुरा ना माने, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि मैं ही कह रहा हूँ कि ये हमारे मजहब का ऐसा, इसको एहसान मंदी ना करो। नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, फिर भी ऐसा क्यों नहीं, फिर ऐसा क्यों, कुछ छोड़ो, जिसके इख्तियार में जान है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उसकी मर्जी है तुम्हें जिस हाल में रखे, जिस हाल में मुझे रखे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। सही बात है, हर वक्त शुक्र अदा, शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ना शुक्र का हल हो रहा है। मैं आपको एक, मैं अगर मुझे इजाजत हो मैं एक मिनट ले लूं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो टाइम हो तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही टाइम है। हाजी साहब बोलिए। आलम दीन ने हमें सुना था, बैठा हुआ था, बड़ी बड़े काम की बात ही, वो बार बार मैंने सुनी। हज़रत मूसा अलैहि सलाम से एक शख्स ने कहा, मैं इनको सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि नबी अल्लाह कहाँ जा रहे, बोला कोई तूर पे, बोला अल्लाह से कह दो मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे और मत देना। आगे एक साहब से बोला, काजी बोला नबी अल्लाह कहाँ जा रहे, बोला कोई तूर पे, बोला अल्लाह से कह दो कि मेरे पास कुछ नहीं, मुझे बहुत चाहिए। मूसा अलैहि सलाम कोई तूर पे पहुँच के दोनों लोगों का पैगाम अल्लाह सुभान व तआला को जब वो रहते हैं तो जवाब क्या मिलता है कि जिसके पास कुछ नहीं सो बोला मेरा शुक्र अदा करना, शुक्र मैं बहुत दूंगा। माशाल्लाह, जिसके पास बहुत कुछ उसको वो बोलो मेरा शुक्र अदा करना, छोड़ दे और नहीं दूंगा। वापसी में आके दोनों को पैगाम मिलता है, तो जो जिसके पास कुछ नहीं है वो कहता अल्लाह ने मुझे क्या दिया, शुक्र अदा करो ना शुक्रा, धोती सही कर दो, वो उड़ के चली गई। जिसके पास बहुत कुछ था उससे कहा, उसने बोला अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरी सांस चलती उसके शुक्र से, मैं देखता हूँ उसके शुक्र से, मेरे कदम चलता उसके शुक्र से, मैं पहले से करोड़ों गुना ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा, रोना शुक्र दिया, मैं तो मुमकिन ही मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो, अल्लाह ने बहुत देना है। कुछ दिनों के बाद वो शख्स आया, नबी अल्लाह बड़ा गुनाहगार हूँ, वाकई मैं ना शुक्र इंसान, उसने शुक्र अदा करना शुक्र दिया। कुछ अर्से बाद मुलाकात हुई तो वो खुशहाल मिला। बिल्कुल, अल्लाह कहता है कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ना किस आदमी ने, मारा मासूम आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप ठीक होती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, वो ठीक हो रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपकी रोज़ी कुशाद हो गई, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शादी ब्याह किसी मामला हल हुआ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सारे मामले हल कर दिए। बिल्कुल, शुक्र वो चीज़ है जो आपको बुलंदियों में लेके जाती है, बेशक, और ना शुक्री वो चीज़ है जो आपको फर्श में गिराती है। बिल्कुल, ये फैसला आप खुद कर लें सबने। बिल्कुल सही बात है, शुक्र तो अल्लाह पाक का हमेशा अदा करना चाहिए, चाहे आप जैसी भी हालत में, अल्लाह पाक ने आपको एक नॉर्मल इंसान बनाया है, आप अपने से नीचे वाले को देखें तो आपको यकीन आता है कि ऐसा भी तो हो सकता था हमारे साथ। तो हाजी साहब ने बहुत अच्छे से, खूबसूरती से बयान किया कि आपको हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों, और हालात हमेशा बदलते हैं, अगर आज बुरे हैं तो कल इंशाल्लाह अच्छे होंगे, और अगर बहुत अच्छे हैं तो उससे भी अच्छे होंगे, और बुरा भी वक्त अगर आता है तो भी उससे नहीं घबराना, आपने अच्छे से डट के अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि अल्लाह पाक जो है वो बुरा वक्त आपका टाल दे और अच्छा वक्त दोबारा लेके आ जाए। वक्त की एक बड़ी अच्छी बात है हाजी साहब कि जो भी हो गुजर जाता है, जैसा भी हो गुजर जाता है। इसी के साथ साथ जब वक्त आ गया है तो यहाँ पर भी ब्रेक का वक्त आ गया है, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हाजी दीन मोहम्मद साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। हाजी साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। क्या कहते हैं, एक बुजुर्ग ने मुझे बात सुनाई है, मैं इससे सुना दूँ शायद किसी का भला हो जाए, बल्कि यकीनन भला होगा। एक बादशाह तकलीफ में आ गया, हालात बुरे हो गए, तो अपने मुलाजम से कहा कि कोई मुझे ऐसी बात बताओ जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। बादशाह ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, वो मुलाजम ने कहा थोड़ा टाइम चाहिए, वो जाके एक कागज़ पर लिख के ले आया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा।
बिल्कुल। जब बादशाह ने पढ़ा कि वक्त भी गुजर जाएगा तो बोला, कैसे बोला बादशाह, तकलीफ का वक्त देख, खुशी का वक्त गुजर गया ना, तकलीफ का गुजर जाएगा। बोला कि आज पूरा दिन दिन था ना, बोला हाँ, आप क्या दिन है, क्या टाइम है, बोला रात है, कल सुबह क्या होगा, दिन होगा, तो बोला वक्त गुजर जाएगा। वो कुछ दिन बाद हालात ठीक हो गए, उसने उस नौकर को अपना वजीर रख लिया। वाओ, एक खूबी की बात पे उसने अपना वजीर रखा, अच्छा वो कामयाब हो गए। वाओ सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, बिल्कुल। हाजी साहब अपना एड्रेस, अपनी टाइमिंग्स और नंबर तो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं, एक दफा बता दीजिए। एड्रेस मेरा ये कि मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद चार मीनार चुरुंगी सात सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठता हूँ और इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बैठता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम दोनों करते रहते हैं, कहीं और जहाँ प्रोग्राम करता हूँ वहाँ भी करता रहता हूँ, आने वाला बुखार वाला बुखार की हालत में, अगर बुखार उतर जाए तब भी वो आ जाए, और दर्दों वाला दर्द की हालत में आए। मैं एक छोटी सी बात का मजाक करूँ, क्या कहें कि चिकनगुनिया और वो बहुत सारे बुखार हैं जो चले गए, ख़त्म हो गए, लेकिन दर्द नहीं गई। आज भी वो लोग आते हैं, गठिया के मरीज बन के आए, इलाज करा रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, हमारे इस प्रोग्राम में आपको याद है प्रोफेसर साहब तशरीफ लाई थी जी, ठीक है ना, राजमा भुट्टो साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ गया, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हैं, ज़रा इलाज लेकिन माशाल्लाह ठीक ठाक कामयाब हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ें हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं, सब्र करते हैं, परहेज करते हैं, वो ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन मुश्किल वो है जिनको मौका सबक, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना, उनके लिए प्रॉब्लम है। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, एक शख्स इलाज था, उसे सर्वाइकल पेन था, वो ठीक हो गया अपनी ज़िंदगी में आ चुका फर्स्ट क्लास। मैंने कहा कि तुम्हें कभी गलती से ठंडी चीज़ मत खाना। उसकी बीवी ने पास से कशब बनाया 1 किलो का, और उसके जबरन ज़बरदस्ती 2-3 गिलास पिला दी, पालसे का शरबत ठंडा ठंडा भी हो, खटा पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। जब वो आया तो कहने लगे जी बेगम ने मुझे इस तरह से मरवा दिया, बोला मैंने एक अच्छा पी ले, हमारे पास जवाब नहीं बातों का, मैं कहा जा सकते, सही बात है, एक ही हाल है। हाँ। तो जो भी है कोई शख्स ये ना सोचे कि यार मेरी शफा नहीं, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, शफा है, अल्लाह ने अपने पास रखी है, लेकिन किसके हाथ से लिखी है ये कोई नहीं जानता। मैं एक दफ़ा मुझे बुखार हो गया, 10-15 साल पुरानी बात होगी, मुझे बच्चे लेके चले गए, बहुत तेज़ बुखार था, तो एक हॉस्पिटल में लेके गए, तो उसमें दवाई दी, मेरी हालत बिगड़ गई। मैंने कहा मना कर दो, दवाई मत देने से मेरी हालत बिगड़ रही है। सेकेंड डे जो मुझे बच्चे लेके दोबारा गए, तो नया डॉक्टर बैठा हुआ था, उसको मैंने बताया मैं कल आया था, ये दवाइयाँ दी थी, उसने बोला किसने दी, उसने तो चार गाली दी डॉक्टर साहब ने। मैंने कहा जी उस सामने खड़े डॉक्टर साहब, उसको बुलाया, इधर आओ, ये जो दवाइयाँ दी सही हैं, मरोसर बिल्कुल सही हैं। उसने बोला ये दवाइयाँ उन औरतों को दी जाती हैं कि क्या नाम है, पीरियड बंद नहीं होते। अल्लाह हू अकबर, तूने याद दी, उन्होंने अच्छा काम किया, उसको खड़े खड़े फर्क कर दिया। बोला हमारी बदनामी है। मेरा कहने के बाद चार लोग और भी आए, उन्होंने बोला जी इसने दवाई दी, तो हमारा ये हाल हो गया। तो अल्लाह ताला सबको हदायत दे, सबको शफा दे। कुछ लोगों के हाथ में अरब में शफा लिखी होती है, उन पर बड़ा यकीन होता है, बंदा वहाँ पहुँच के आधा ठीक हो चुका जी, ऐसा होता है। हाँ ठीक है ना, तो अल्लाह सुभान ताला रहम करम करे, तमाम लोग जितने भी मरीज हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, दुनिया जहान में देख रहे हैं, अभी प्रोग्राम के आखिर में हम काट करेंगे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जो काट होगी तो उसमें सब लोग शरीक हों, जिनके मसाइल हैं वो सर पे सीने पे हाथ रखे दुआ मांगे, अल्लाह हमारी मुश्किलें ख़त्म कर। कोई शख्स ये दुआ कभी भी ना मांगे कि अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर, ये बद्दुआ है। क्या बोला, ये बद्दुआ है, क्यों मुश्किल आसान होती फिर आती है, मुश्किल आसान होती फिर आती है। अगर आप बोलेंगे अल्लाह तू मुश्किलें ख़त्म कर, मुश्किलात ख़त्म कर, तो जान छूट जाती है। मुश्किल आसान उनकी दुआ एक जगह मांगी जाती है, जब कोई शख्स मर रहा हो, उसका दम ना निकले, सकरात में हो, सकरात में हो, तब ये दुआ मांगी जाती है, अल्लाह तू इसकी मुश्किल आसान कर ताकि इसका दम निकल जाए वहाँ पर। तो जितने भी बीमार हैं, कंधे वाले, गर्दन वाले, मोरों वाले, ये कोनिया वाले, घुटने वाले, जब हम काट के तो वहाँ हाथ रखे, उठाए रखे उठाए, जिस तरह बोले आमीन बोले, हाथ उठा के दोबारा रखे, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह 2 सेकंड में जवाब आ जाएगा, इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। देखिए अमेरिका से हमारे पास कॉल्स आती हैं, जाफी साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुश्किल से बोलते हैं हाजी साहब 1-1.5 सेकंड लगता है। ऐसे अमेरिका से हमें एक बच्ची है सारा, जब कभी तकलीफ होती है, काट होती है, 1 सेकंड से बोला हिसाब में ठीक हो चुके। कनाडा से कई लोग हैं, अमेरिका से हैं, इस तरह सऊदी या यूएस से,
कुवैत से, वहाँ हमारे यहाँ पर भी एक कॉल आ गई हाजी साहब आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं महरीन बात कर रही हूँ। जी महरीन फरमाइए। ये मेरी जबान में ना काफी टाइम हो गया छाले निकले हुए, एक तरफ ना वाइट हो गई है जबान, तो काफी मैंने दवाइयाँ खाई है तो उससे आराम नहीं आ रहा मुझे ना। ठीक है, आप कराची से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, सलीम फातिमा से। ठीक है आपको बताते हैं हाजी साहब हमारा प्रोग्राम देखे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब, उनकी जबान में छाले हो गए, वाइट हो गई जबान एक तरफ से, और लाके इलाज करो भाई, इसको आगे ना लेके चलो, आगे हालात बुरे होते हैं। तो कोई भी है, चाहे इसको बवासीर है, मुंह में छाले हैं या मैदे में छाले हैं या आंतों में छाले हैं, तो उसको आगे लंबा ना करो, आके इलाज करो, अल्लाह शफा देता है, शफा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हर बीमारी के लिए शफा रब देनी होती है, हमने कोशिश करनी होती है, लेकिन अल्लाह का करम है, जो दुआएं हमारे पास अल्लाह ताला ने भेजी हैं, हमने वो अल्लाह के मौजे देखे, सोच नहीं सकते। सुभान अल्लाह, हर कदम कदम में रब का मौजा देखता हूँ, हर कदम पे जिसकी उम्मीद नहीं थी। यानी मिसाल दे रहा हूँ कि एक हमारे पास मरीज आते हैं, उनका यह आलम होता है कि बेचारे उल्टी वो मोशन बंद होने का नाम ही नहीं होता है कि वो टेम्पर बांध के आते हैं, चाहे वो जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे जो भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे में 8 घंटे में बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। कितनी सैकड़ों डिपें लगी होती हैं, कितनी दवाइयाँ खा चुके होते हैं, लेकिन आते हैं दवाई खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4-6 घंटे के अंदर अपनी ज़िंदगी में जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना, देखिए आपके पास आते हैं, आपके पास से शिफा मिलती है, कितनी आपको दुआएं देते होंगे। बहुत दुआएं, मैं फिर बात कहूँगा तस्मिया की, मैं से हंसी मजाक होती, मैं क्या तस्मिया कभी आपको कोई फ़ायदा, मजाक करता हूँ, बोला ये सब आपकी जो ना दवाई ना क्यू बी, जो मोशन वाली दवाई है, जो उससे मेरा इतना ईमान है कि दवाई मुँह में जाती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन मानना कहकशा ऐसे लोग आते हैं कि वो बेचारों का यानी कि मोशन उठने का नाम ही नहीं होता, वो आप देखें 1 दिन में 2 दिन में अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, जो 2-2 महीने 3-3 महीने से लगे होते हैं। देखें ना वो कितने परेशान होते हैं। वो लोग जिनको 8-10 साल से मोशन है, पहले वजाहत कर दूँ, 8-10 साल से मोशन कंटिन्यूज रहते हैं ना, उनको शायद 1-2 महीने लग जाते हैं। अच्छा, क्योंकि पूरी आते हैं वो ऐसे होते हैं, स्टेप जाता है वो दिखाया वो जाके पहुँचे, इधर मुँह नवाला मुँह में होता है और वाशरूम पहुँचे होते हैं, बिल्कुल उनमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कितने भी वीट एलर्जी के हैं या और जो मरीज़ हैं उनको शदीद तरीन तकलीफ होती है, मोशन होते हैं, जो मौसम बीमारी चलती हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कहकशा एक आपसे बात करनी थी, आप रिपीट करना अगर आपको याद रहे तो। देखिए हम जो दुआ करते हैं उसे पैसे नहीं लगते, नहीं किसी की फीस हमारे पास नहीं लगती, पक्का बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल के जितने भी हॉस्पिटल कराची वाले हैं, अगर वो हमारा प्रोग्राम अपने शुरू कर लें, उनके पास जितने मरीज दाखिल हैं उनका कोई नुकसान तो नहीं है उसमें? नहीं बिल्कुल नुकसान नहीं है, जितने भी मरीज हैं जिस मर्ज में भी वो मुबतला है वो अपने अपने हॉस्पिटल में हमारा प्रोग्राम शुरू कर लें, उसमें लोगों को फौरन शिफा मिलना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं वो ये पूछना है ये हाजी साहब आपके सामने बैठे हुए ना, इनसे पूछना है मेरी बच्ची की है ना गलत दवाई खाने से आंखों की रोशनी चली गई है। अल्लाह अकबर। अच्छा, तकरीबन 2 साल हो गया इस वाकिये को, इंडस अच्छा। में इलाज करवाया था और सब डॉक्टरों ने कहा है कभी भी इंशाल्लाह आ सकती है। अच्छा ठीक है, बच्ची कितनी बड़ी है? बच्ची तकरीबन उसकी उम्र होगी 20 के अंदर अंदर है। ठीक है, हम आपको बताते हैं हमारा प्रोग्राम देखे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। हाजी साहब उन्होंने क्या नाम है किसी हॉस्पिटल में दिखाया था अपनी बच्ची को, तो गलत दवाई खाने की वजह से बच्ची की आंखें चली गईं और डॉक्टर कहते हैं कि जो दूसरे मतलब कहीं पे भी दिखाया और जगहों पे वो कहते हैं आंखों की बिनाई वापस आ सकती है, तो उसके लिए बताइए वो कराची से ही ताल्लुक रखते हैं तो क्या हो सकता है? यहाँ 2 सवाल कर लिए आपने। जिस डॉक्टर ने कहा दवाई इसको आंखें वापस आ सकती उससे इलाज करवाना बेहतर था, करा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है तो बच्ची उला के दिखा दें, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर ऐसा है, अगर उस बच्ची की आंखें अगर दवाई खाने से गई हैं, अगर नसें डैमेज हुई, पहली बात मेरी गौर से सुनना जो मैं रिपीट आपने करनी है, अगर नसें ख़राब हो गई, सूख गई हैं, खून का दौरानी बंद हो गया तो वो खुल जाएंगी, जिसको हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, हमारे पास बच्ची आती है शादीशुदा माशाल्लाह के दौर में, तो उसकी जो आँखें जो पीछे से रोशनी बहने वाली जो नसें थी वो डैमेज हो गई थी, उसका इलाज हुआ था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमरहम्दा आज बिल्कुल ठीक है। उसकी एक आंख 3 साल से 0 पे थी, एक आंख 20% रोशनी थी, आज वो दोनों आंखें माशाल्लाह 100% ठीक हैं, आज उसको तकरीबन 6-7 साल हो गए,
उसके अलावा आँखों को जितने भी हमारे पास मरीज़ आए और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को शिफा मिली, किसी को नहीं भी मिली होगी क्योंकि हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शिफा मिली, ठीक हुए। ख़ासतौर पर एक छोटी सी बच्ची एक साहब लेके आए थे, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, वो बच्चे हिल पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे तो उसके बेटे ने जो शॉट मारा जाके बच्ची की आँख में लगा, आँख फट गई उसकी, सारा बाहर निकल गया, जाके उसको इलाज वज कराया तो आँख उसकी छोटी सी रह गई। उन्होंने कहा जी ला के दिखाया तो मैंने कोशिश कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची की आँख दोबारा बड़ी हुई, अपनी ज़िंदगी में बच्ची की आँख में रोशनी भी आई और स्कूल पढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। तो ये जो भाई आपने जो ये ला के दिखा दें, मेरा कोई दावा नहीं, ला के दिखा दें, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, ये याद रखो। अगर दवाई खाने से अगर इसकी आंखें ख़त्म हो गई, आंखें अगर डॉक्टर ने चेक की तो उसकी आंखों में रोशनी फ्रंट पे है, अगर ये पुतलियों में रोशनी है इनमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर पीछे से आने वाला कोई मसला था फिर उसको देखा जा सकता है इंशाल्लाह। तो उसको ला के दिखा दें, देखते हैं, कोई पैसे नहीं होते हमारे पास, दवाई के अलावा कोई पैसा नहीं है, रोज़ाना आएँ, दम कराएँ, दुआ करवाएँ, सब फीस भी मिला, लेकिन दवाई फीस भी ना, यूँ नहीं कि पैसों की बनती है, बिल्कुल पैसों की, हम अपनी मदद आप लेके चल रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई आप हाजी साहब के पास जाइए, प्लीज़ जाइए और अपनी बेटी को दिखाइए, 20 साल की है वो और 2 साल से उसके साथ ये मसला है, इंशाल्लाह आपके पास आएगी। ऐसे भयानक केसेस हैं कि हम बैठ के कह नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है, इतने भयानक केसेस हैं, जब जो मेडिकल में लोग तबाह बर्बाद हुए हैं ना, इतने भयानक केसेस हैं। मैंने छोटी सी बात अपनी ज़ात पे कह रहा हूँ, मैंने हार्ट पे रिसर्च की, मैंने आपसे बात की, बहुत रिसर्च की जी, दिल डबल भी हो गया था, वापस सिंगल हो जाता है, वाल बंदे खुल जाते हैं, शरण बंदे खुल जाते हैं, दिल सुकुड़ गया ना वो दोबारा खुल जाता है, अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, मरीज भी मौजूद है, बिल्कुल हम रिपोर्ट इसलिए थे, बिफोर आफ्टर दोनों हमारे पास रिकॉर्ड रहे। मैंने देखिए शुरुआत पर रिसर्च नहीं की थी, मैंने मामूली बात प्रश्न होता है, लेकिन जब मैंने भयानक नुकसान उठाया, भयानक तरीन नुकसान उठाया, बिल्कुल, और डॉक्टर की वजह से, और डॉक्टर ने कितना बेवकूफ़ बनाया ये मैं जानता हूँ, मेरे रब जानता है मेरे दिल से क्या क्या गुजरी है, मैं बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, जब आप अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए, जब दुआ की तरफ बढ़ते हैं, दुआ एक आर्ट करवाते हैं, जिसको भी जहाँ पर भी लोग हमें देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग एक हाथ अपने सर पे रखें, एक हाथ अपने सीने पे रखें, इंशाल्लाह उनको फ़र्क होगा, 2 सेकंड में ही आपको पता चलेगा, आप लोग दुआ शामिल सबकी तकलीफें मारी हैं, जिन ज्यादा मुश्किल परेशानी खत्म हो, शिफा मिले, मकमल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे गालिब, सारी कायनात हर मुल्क इंसान इस्लाम पाकिस्तान ताबे, जादू करने के लिए मर्जी फर्जी जादू को शिफा मिले, मकमल शिफा मिले, आमीन सुबामी, पाकिस्तान की जारी बात नहीं, और अंदरूनी बैरिंग दुश्मन खत्म हो जाए, कायनात तमाम लोगों को शिफा मिले, जिन जादू जिनात मुकलात से काम लेने वाले खत्म हो जाए, इन पर ये चीज़ें वो खत्म, बीमारी भी खत्म हो, आमीन सुबामी, या रहमत आलमी से बीमारी जादू खत्म, छोड़ के दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ो, जज़ाकअल्लाह। ये चाहे तो ये आप अपने अपने मोबाइल पे अपलोड कर लें, इससे फ़ायदा ये होगा कि इनको जब दिन में जितनी दफ़ा चाहे ये काम कर लें, उनको फ़ौरन फ़ायदा होगा, चाहे पेट में दर्द है, नाक में दर्द है, क्या नाम है, नाक के नीचे के हिस्से में दर्द है, गले में दर्द है, कंधा, गर्दने, आँखें, जबान, नाक, जहाँ भी तकलीफ है सब लोग करते हैं, दिन में बार बार करें, आपको फौरन शिफा मिलती है इंशाल्लाह, 2 सेकंड्स में आपको शिफा इंशाल्लाह, मिलती है इंशाल्लाह, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हाजी साहब के पास जाके आप लोग दिखा सकते हैं, हाजी साहब बैठते हैं 4 मीनार चौरंगी भाद्राबाद में, सिलानी वाले और हाजी साहब का क्लिनिक आगे पीछे ही है, जब सिलानी पे आप पहुँचते हैं तो थोड़े कदम दूर पे आखुन ज़्यादा हाजी दीन मोहम्मद साहब का बोर्ड आपको दिख जाता है, इतनी ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ नहीं है, छोटी सी सीढ़ियाँ जो कि आपको जाके दिखाना होता है, अगर आप कराची से बाहर हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स, और उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हाजी साहब के नंबर अभी भी चल रहे हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं वो पापा अभी सवाल जब हो रहे हैं, बिल्कुल सवाल जब हो रहे हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर हाजी साहब से बात करनी है तो वो शो के बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। हाजी साहब मुझे एक ये बताइए कि जो आपके पास लोग आते हैं और फिर उसके बाद आपसे कहते हैं कि हाजी साहब इतना पुराना मसला था, 20 साल से था, 10 साल से था, और जब आपको आके बताते हैं अपना मतलब शेयर करते होंगे ना आपसे फीडबैक, तो आपको कैसा लगता है? क्या किसी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस वक्त अच्छा लगता है जब वो ठीक हो चुके होते हैं जी, क्योंकि ऐसी ऐसी हालत में लोग आते होंगे, अगर बुखार वाला तड़पती हुई हालत में आता है उस वक्त तो इंसान को होश नहीं होता, जब इंसान जब ठीक हो जाता है, जब वो ये सोचता है कि यार ये फरिश्ता सिर्फ इंसान है जिसने मुझे ठीक किया, देखिए ठीक अल्लाह करता है, मैं कोशिश करता हूँ, जब उसको उठा के ले करता है, ये घसीटते लेके आते हैं, 2-2 बंदे रखे उसको ऐसे घसीटते लेके आ रहे होते हैं, या फिर 2 बंदे उठा के लेके आ रहे होते हैं, लाके बैठाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड बाद या 1-2 मिनट के बाद अच्छा समय जिंदगी में आ चुका होता है, वो चल फिर रहा होता है, और वहाँ पर माहौल 2 किस्म, एक हंसता मुस्कुराता माहौल देता हूँ,
के आने वाला तकलीफें, जो डेढ़ होशियार होता है उसको वो माहौल मिलता है, उसे तबीयत साफ जाती है। बिल्कुल, और डेढ़ होशियार हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं आजकल, हमारे यहाँ करीब करीब में भी आप लोगों को डेढ़ होशियार लोग काफी दिखते हैं। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने आके इतने अच्छे से लोगों को बताया, और लोगों के जो भी मसाइल हैं, मराहल से गुजर रहे हैं, वो आपके पास आएंगे इंशाल्लाह फैजियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? एक मैसेज है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, नफरत ना करो। बिल्कुल, और एक बात याद रखो, अपने मुल्क को कौम से प्यार करो, कह के शाह इस बात को रिपीट करो, अपने मुल्क और कौम से प्यार, से प्यार करो, अपने मुल्क से भी मुखलिस हो, अपनी कौम से भी मुखलिस हो, अल्लाह गुआ कर अल्लाह की रहमत होगी। मैं मुझे अगर चंद सेकंड दे दे, मैं एक बात कहना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रवायत मैंने पढ़ी है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने कहा कि ए मूसा, तुम्हारी कौम पे मैं तीन अजाब नाजिल करने वाला हूँ, एक नाइंसाफी का, एक बीमारी का, एक भूख का। कौम से मशवरा कर लो कि कौन सा अजाब पहले भेजूँ। अल्लाह जाकर उससे पूछो, सब ने बोला कि ए नबी अल्लाह, हमें थोड़ा टाइम दो मशवरा करने के लिए। उन्होंने मशवरा करने के बाद बोला नाइंसाफी अजाब नहीं भेजना, दोनों अजाब भेज दो अल्लाह को बोलो। तो पूछा क्यों? बोला कि नाइंसाफी होगी तो पूरी कौम खत्म हो जाएगी, भूखे रहेंगे, एक इन वाला खाएंगे बच जाएंगे, बीमार मरते रहेंगे, दफनाते रहेंगे, लेकिन नाइंसाफी में कौम खत्म होगी। बिल्कुल, जब जाके बोला अल्लाह ने कहा एक अजाब ही नहीं आएगा। अल्लाह तेरा शुक्र एहसान, थैंक यू सो मच। के लिए मेरा पैगाम है, बिल्कुल कौम के लिए पैगाम। ऐसे के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फिर अमान अल्लाह हाफिज़।